भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के ई महायज्ञ में आज हम भृगु बाबा और वन देवी के प्रणाम करे आईनी है। गोसी मऊ सलेमपुर बलिया ई पूरा इलाका हमरे पड़ोस का इलाका है। बनारस वालन के लिए ये पड़ोस ही होना। भाइयों और बहनों, 24 के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत जितनी दमदार सरकार बनाएगा, जितना दमदार प्रधानमंत्री बनाएगा, उसकी गूंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी। साथियों, पूर्वांचल की ये धरती तो पराक्रम और क्रांति की धरती है। ये वो इलाका है जहां मंगल पांडे का साहस है, यहां महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम है और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मुखर आवाज है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए तो इस चुनाव का महत्व डबल है। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। अभाव, गरीबी, लाचारी का क्षेत्र बना दिया था। लेकिन 10 साल से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। 7 साल से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है और इसलिए पूर्वांचल सबसे खास है। घोसी, बलिया और सलेमपुर सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश का पीएम चुन रहे हैं। घोसी से सुभाष सपा के भाई अरविंद राजभर जी को मिला हर वोट मोदी को मिलेगा। बलिया से नीरज शेखर जी को मिला वोट, मोदी को मिलेगा। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा जी को मिला हर वोट, मोदी को मिलेगा। और इसलिए एक साथ बोलिए, फिर एक बार भाइयों और बहनों, 1 जून को मतदान से पहले हमारा पूर्वांचल मन बना चुका है, बीजेपी को जिताना है, एनडीए को
जिताना है। पूर्वांचल के गरीब बेटे को ताकत देगा जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर रहा है। पूर्वांचल उसे ताकत नहीं देगा जो आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आज मोदी आपका पक्का घर बना रहा है, आज मोदी आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है, आप सबका मक्कम निर्धार है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वो लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। साथियों, आज मैं पूर्वांचल को, घोसी के लोगों को इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया हूं। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इससे इंडी गठबंधन का क्या फायदा होगा। जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। तब ये इंडी वाले अपनी असली साजिश को अमल में लाएंगे। ये तीन बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा, पूरा का पूरा आरक्षण
धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। आज सपा कांग्रेस इंडी वालों की वोट बैंक और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इस स्तर पर नीचे गिर गई है। ये इंडी गठबंधन वाले भारत में बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। साथियों, यहां जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको 2012 का, आज से 11 साल पहले, सपा का जो घोषणा पत्र है वो शायद आपको याद नहीं होगा। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है, ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है, लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं। साथियों, एक और तरीका कांग्रेस ने 2014 से पहले खोजा। ये तरीका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का है। इसके लिए कांग्रेस ने रातों रात कानून बदल दिया। एक झटके में ही हजारों शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया और पहले इनमें एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता था, वो पूरा खत्म हो गया और मुसलमानों को आरक्षण मिल गया। दलितों पिछड़ों आदिवासी बेटे बेटियों के साथ इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। साथियों, इनका तीसरा तरीका इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में डाका डालने का अपनाया है। रातों रात ये मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर रहे हैं। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी आरक्षण खारिज किया है। मुस्लिम आरक्षण का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। बार बार कोर्ट में ये मामला इसलिए अटका हुआ है क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर लिख करके गए थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तब बंटवारे के रूप में इसके परिणाम देख चुके थे। लेकिन वोट बैंक के भूखे ये सपा वाले, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को आरक्षण देने का उनका जो षड्यंत्र है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन लेने का उनका जो षड्यंत्र है, उसको कोई अदालत में जाकर के चुनौती न दे सके। साथियों, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। पूरी दुनिया से लोग वहां रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं।
लेकिन सपा कांग्रेस के शाही परिवार के लोग क्यों नहीं गए? इन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण तक को ठोकर क्यों मार दी? आप याद कीजिए, चुनाव के समय ये मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं, लेकिन 500 साल बाद हमारी सभ्यता, हमारी आस्था का इतना बड़ा पल आया तो ये राम मंदिर को गालियां देने लगे, खोट ढूंढने लगे। ये लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हुए, ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि जैसे साहबानों का फैसला पलटा वैसे ही राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भी पलटा जाए। भाइयों और बहनों, मोदी जब खुलकर इनकी पोल खोलता है तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने के फतवे निकालते हैं, लेकिन जब तक मोदी के पास माताओं बहनों का सुरक्षा कवच है, आप सबका आशीर्वाद है, नौजवानों का उत्साह है, मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बलिया है जहां से हमने घर घर सस्ती उज्ज्वला गैस पहुंचाने की क्रांति शुरू हुई थी। आज पूरे देश में गरीब, दलित, पिछड़े परिवार की माताएं बहनें मुझे हर दिन खाना पकाते समय आशीर्वाद देती है। मोदी ने चूल्हा ही नहीं दिया, मुफ्त अनाज भी दिया, ताकि किसी मां को भूखा रहना न पड़े, अपनी संतानों को भूखा देखना न पड़े, गरीब का चूल्हा बुझ न जाए। आज यहां गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब मोदी हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी लेकर आया है। आपको माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये खर्चा मोदी करेगा। साथियों, हमारी माताएं बहनें जानती हैं, शौचालय, बिजली, गैस, नल, ये सब आ रहा है, लेकिन मोदी इतने पर ही नहीं रुकेगा। अब मोदी हर परिवार को, हमारी माताओं बहनों का बिजली बिल, बिजली का बिल 0 कर देगा, 0। इतना ही नहीं, हर घर में बिजली बनेगी और ज्यादा बिजली बेच करके हर परिवार कमाई भी करेगा। और इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। योजना चालू है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं और इसमें आपके घर की छत पर
सोलर पैनल लगेगा, उससे बिजली बनेगी, वो बिजली आपको मुफ्त में काम आएगी और ज्यादा बिजली सरकार खरीदेगी, आपको कमाई होगी और इसके लिए सरकार आपके घर की छत पर सोलर लगाने के लिए सरकार आपको हर घर को 75,000 रुपये तक की मदद करेगी। साथियों, 4 जून को तो बड़ा मंगल है, बुढ़वा मंगल है, बुढ़वा मंगल 4 जून को ही विकसित भारत के लिए मंगल होना है और इसलिए आपको याद रखना है, घोसी में एनडीए को जिताना है और हम गलती न करें, यहां पर चुनाव चिन्ह छड़ी है, ऐसा ना हो कि लोग जाकर के कमल ढूंढे और कमल न दिखाई दे तो झगड़ा कर दे, यहां पर मोदी के हाथ में छड़ी है, बलिया में और सलेमपुर में वहां कमल है, तो आपको जहां छड़ी है वहां छड़ी याद रहेगी, जहां कमल है वहां कमल याद रहेगा। लेकिन इसके लिए घर घर जाएंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे पक्का। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग, ऐसे नहीं पूरा हाथ तोड़ के पूरी ताकत से बताओ तो बोलूं, मेरा एक काम करेंगे, ये चुनाव वाला काम नहीं, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे जरा पूरी ताकत से बताइए, करेंगे एक काम करना, आने वाले दिनों में जब भी किसी गांव में जाते हैं या अपने गांव वालों को लेकर के, आपके गांव में जो देवस्थान हो, आपके गांव में जो तीर्थ क्षेत्र हो, वहां जाना, मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना परमात्मा के सामने और कहना कि परमात्मा हमें आशीर्वाद दे, करेंगे करेंगे। और ये आशीर्वाद मोदी के लिए नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद मोदी के परिवार के लिए नहीं चाहिए, ये आशीर्वाद विकसित भारत बनाने के लिए चाहिए। तो गांव गांव हर मंदिर जाएंगे, हर तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।